ওড়িশা অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় জাওয়ার, যার প্রভাব এ রাজ্যে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিল দক্ষিণ পূর্ব রেল। শালিমার রেল ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের চাকায় বাঁধা হলো চেন এবং তালা। ঝোড়ো হাওয়ায় চেন গড়িয়ে গিয়ে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেই কারণে এই ব্যবস্থা নেওয়া হলো। এছাড়াও বহু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক নীরাজ কুমার জানান, ঘূর্ণিঝড়ের জেরে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টি হবে, সেই কারণে উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশ যাওয়া এবং আসার বহু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে। আগামী 3 এবং 4 ডিসেম্বর রেলের কয়েকটি ডিভিশনে আপের 27টি এবং ডাউনের 22টি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যে সমস্ত যাত্রীরা আগে থেকে রিজার্ভেশন করেছে তাদের কাছে মোবাইলে মেসেজ যাবে, তারা টিকিট বাতিল করে টাকা ফেরত নিতে পারবেন। আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা, নজর কাড়া খবর। जावद तूफान की जो हम लोगों को सूचना मिली हुई है बे ऑफ बंगाल में, उसके कारण जो तटीय क्षेत्र में आने के कारण वो बारिश काफ़ी होती है और हवाएं काफ़ी तेज चलती है, उसके मद्देनज़र प्रिकॉशनरी दक्षिण पूर्व रेलवे के भी कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया। फिलहाल 27 अप ट्रेन और 22 डाउन ट्रेन को कैंसिल किया गया है, जिसमें से मुख्य तौर पे जो हावड़ा से जाने वाली ट्रेनें हैं उसमें सिकंदराबाद की तरफ जाने वाली हावड़ा सिकंदराबाद, हावड़ा यशवंतपुर, हावड़ा हैदराबाद या हावड़ा मैसूर, हावड़ा पुरी, इन सब मुख्य ट्रेनों को कैंसिल किया गया। और हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी फिर हम लोग सूचना देंगे कि आगे की हम लोग की क्या कार्रवाई रहेगी। जो भी यात्री इन ट्रेनों से ट्रैवल कर रहे हैं एहतियातन के तौर पर वो अपना ट्रेन का टिकट कैंसिल कर सकते हैं, वो हमारे PRS काउंटर के थ्रू उनको रिफंड मिलेगा। साथ ही वो IRCTC के वेबसाइट या उनके एप्लीकेशन के द्वारा भी जिन्होंने टिकट लिया होगा जैसे भी उसको कैंसिल किया जा सकता है। और यात्रियों को जो इससे परेशानी हुई है उसके लिए हम खेद है, लेकिन एहतियातन के तौर पर इसका किया जाना ज़रूरी था और ये किया गया है। सर ये कब से कब तक के लिए कैंसिल? देखिए अभी जो ट्रेनें स्टार्ट हो रही हैं ज़्यादातर ट्रेनें तो 3 तारीख कल के डेट से स्टार्ट हो रही हैं, और कुछ ट्रेनें जो हैं वो 4 तारीख को भी स्टार्ट हो रही हैं, उनके हम लोगों ने कैंसिल किया है। वो डेट उनको जिन्होंने टिकट अपना लिया होगा उनको SMS के माध्यम से भी हम लोगों ने सूचना दे रहे हैं, साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल पे और सोशल मीडिया साइट्स पे भी इसको हम लोग वाइड पब्लिसिटी दे रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंच सके। 49 ट्रेन सर।
सुरक्षा के दृष्टि से क्या किया जाए, तुम लोगों को ताला चाबी लगा करके? हाँ देखिए, जहाँ तक चाला चाबी लगा वो एक काफ़ी नॉर्मल प्रक्रिया है। जो भी ट्रेन अगर स्टेबल की जाती है उसको हम लोग उसको चेन करके स्किड करके लगाते हैं, ताकि अगर हवा का झोंका आए या मूवमेंट किसी प्रकार का हो तो ट्रेनों का रोल डाउन या ट्रेनों का मूवमेंट ना हो, जिससे कि सेफ्टी हमारे इंश्योर है। और चूंकि सेफ्टी के प्रति दक्षिण पूर्व रेलवे या रेलवे प्रतिबद्ध है, ये तमाम तरह के सेफ्टी प्रैक्टिसेस को फॉलो किए जाते हैं, जिसके लिए हमारे स्टाफ्स और ऑफिसर्स रेगुलर ट्रेंड हैं और रेगुलर उस पर नज़र रखी जाती है। तो ये जो अभी तूफान आ रहा है इसके मद्देनज़र भी तैयारी की गई है? डेफिनेटली, अगर कोई भी ट्रेन हम स्टेबल करेंगे या कहीं खड़ी करते हैं हम कोई भी एम्प्टी कोचेस कोचिंग रेक को या किसी भी और मालगाड़ी को भी खड़े, तो डेफिनेटली इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है। ये शालीमार जो सेड जी यहाँ पर भी इस तरह का हर जगह, चाहे वो शालीमार हो या संतरागाछी हो या और भी जिस स्टेशन जहाँ पे की जरूरत पड़ती है खड़ी करने की, डेफिनेटली इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है।